नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? शिवम रावल। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शीतलगढ़ी, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सभी देव देवताओं की भक्ति करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे मैं ज़्यादा महत्व हनुमान जी को देता था। जैसे कि आपने बताया कि देवी देवता की पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा करता था, तो सर आपको उनकी पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उनकी पूजा करने से लाभ तो कुछ नहीं मिले हमें, तो पापा जी बहुत बीमार रहते थे, मैं दुर्गा जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, तो यहाँ पे हर साल हरिद्वार भी जाया करते थे, साइकिल पे जाया करते थे, मैं हर साल जाते थे, तो ऐसे भी उनके पैरों में सोया जा करती थी। वहाँ से आने के बाद काफ़ी बीमार हो गए, उसके बाद गए भी नहीं, वहाँ पे 4-5 साल गए तो काफ़ी सोई आ जाया करती उनके पैरों पे, मोटे मोटे हो जाया करते, काफ़ी चला भी नहीं जाता था उनसे, तो उनसे कोई लाभ नहीं मिला हमें। सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कब और कैसे आए और आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे पापा जी बीमार रहा करते थे, तो इसलिए मेरे नाना जी ने कहा, ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे मेरे नाना जी, तो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की काफ़ी कि चलो वहाँ पे चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ ठीक हो जाओगे तुम, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा उनके पास वहाँ पे, तो ऐसे 1 साल निकल गया सर ऐसे ही, तो काफ़ी बीमार रहने लगे, काफ़ी खर्च हुआ उनके ऊपर। तो उसके बाद 1 साल के बाद एक दिन सुबह ही मेरे पापा जी ने फ़ोन किया मेरे नाना जी के यहाँ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं चलूँगा आज संत रामपाल जी महाराज के यहाँ। तो सर उस दिन सुबह मेरी नानी जी आ गई वहाँ पे घर और उनके साथ चले गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाड़ा। तो तब 1 महीना हो गया था मेरे पापा जी को खाना खाए हुए, जब आश्रम गए वो चल भी नहीं पाते थे, काफ़ी सोई आ जाती थी पैरों में जब चलते थे, बुखार काफ़ी था, हार्ट पेशेंट थे, 3-4 बार अटैक आ गया उन्हें अब तक, जबकि 3 बार अटैक आता है आदमी को, लास्ट स्टेज होती है 3री बार, 4 बार अटैक आया मेरे पापा जी को, 1 बार पहले आ गया था, 3 बार उसके बाद आया। तो जैसे आश्रम में गए, नाम दीक्षा ली, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने काफ़ी हल्का महसूस किया, खाना खाया, 1 महीना हो गया था मेरे पापा जी को खाना खाए हुए, 4 रोटी खाई मेरे पापा जी ने वहाँ पे आश्रम में। जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर संत रामपाल जी के शरण में गए, तो आपको कैसा लगा जो आपके पिताजी बिल्कुल अस्वस्थ थे, बिल्कुल उन्होंने 1 महीने से खाना ही नहीं खाया था जैसे कि अभी आपने बताया, तो आप लोगों को कैसा लगा वहाँ पर? सर मेरी मम्मी जी गई हुई थी मेरे पापा जी के साथ, तो पापा जी आए वहाँ से 3 दिन के बाद आए सत्संग सुनने के बाद, पापा जी वहाँ से तो वे खुद चल कर आए, तो हमने देखा घर पे थे कि खुद चल कर आए, भाई आराम मिला है, कुछ तो है वहाँ पे, जो मतलब कभी डॉक्टरों के पास दिखा चुके थे, 1-1.5 साल हो गया था हमें, बहुत पैसा खर्च हो गया था उनके ऊपर, तो उसके बाद लगा कि हाँ कुछ है। और उसके बाद एक दिन मैं खेत में 12 से वायर लगाई हुई थी लाइट के लिए, तो उसको हाथ में लपेटा हुआ था मैंने कनेक्शन कट करके 12 से, तो मैं उसको लेके आ रहा था तो पीछे से किसी ने कनेक्शन कर दिया, तो उसमें आग लग गई वायर में, सारी जल गई बिल्कुल, जो उसमें कट थे बहुत ज़्यादा वायर में, मेरे हाथ से टच थे सब, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे खरोंच भी नहीं आई बिल्कुल भी, और वायर सारी जल गई थी वो बिल्कुल। मेरी सिस्टर है, शादी हुई है उनकी, तो उनको वैसी प्रॉब्लम थी ये भूत प्रेतों से की, तो काफ़ी तंग थे मैं उससे, मैंने काफ़ी शानों के पास, मौलवियों के पास, इनके सबके पास घूम चुके थे, तो उसके बाद काफ़ी तंग होने के बाद 6-7 महीने तंग रहे हुए, काफ़ी सबके पास जा चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया पापा जी को कि ऐसे ऐसे है भाई, काफ़ी दिखा चुके थे मैं पहले भी, डॉक्टरों के पास भी, वैसे भी सबके पास, ओझा तांत्रिक सबको दिखा चुके थे, तो उसके बाद वहाँ पे लेके गए संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में, तो संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, नाम दीक्षा ली, वो ठीक हो गई बिल्कुल। आपने बताया कि आपकी बहन का नाम लेने मात्र से ही जो भूत प्रेत की बाधा थी, आप लोग बहुत परेशान थे, कई सियाने सप्टों के पास गए थे, हर एक कई तांत्रिकों के पास गए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दुख से छुटकारा नहीं मिल पाया था। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी देते हैं, कोई दवाई देते हैं? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते, वे सिर्फ सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि सब दुख दूर हो जाते हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर दुखों के पार टूटे हुए थे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें लाभ हुआ, और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। सर अभी आपने संत रामपाल जी के शरण में आने के लिए कहा,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो कोई भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए शाम के टाइम साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 पे सत्संग आता है, तो उस पर नीचे डिस्प्ले होते हैं नंबर पीली पट्टी पर, तो नंबर पर संपर्क करें और अपने नज़दीकी नामधाम सेंटर खुले हुए हैं नाम दीक्षा के लिए, उन पे आके नाम दीक्षा लें। थैंक यू सर, धन्यवाद। सत्साई।